ये है आरजे कार्तिक की वन मिनट स्टोरी। ये कहानी एक पंडित जी की जो राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने उनसे तीन प्रश्न किए कि ईश्वर जो है कैसे दिखता है, कहां तक देखता है और करता क्या है। पंडित जी ने कहा आपने मुझे बुलाया लेकिन आदर सत्कार नहीं किया, तो दूध का ग्लास मंगवाया गया। पंडित जी दूध के ग्लास में बार बार उंगली डालकर के दूध को बाहर निकाल करके देख रहे थे। राजा ने पूछा कर क्या रहे हो। पंडित जी ने कहा कि मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है। राजा ने कहा ऐसे थोड़ा ना मिलेगा, दूध से दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है फिर मक्खन मिलता है। पंडित जी ने कहा ईश्वर भी ऐसे थोड़ा ना दिखेगा, आत्मा को पवित्र करना होगा, नियम से, ध्यान से, अभ्यास से, तब परमात्मा दिखाई देगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ जवाब से। उसने कहा दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मोमबत्ती मंगाई। एक मोमबत्ती मंगाई गई, उसको जलाया गया। पंडित जी ने पूछा बताइए कहां तक रोशनी जा रही है। राजा ने कहा कि हर तरफ जा रही है, चारों तरफ। पंडित जी ने कहा बस यही, परमात्मा भी चारों तरफ देखता है, हमारे हर कर्म का हिसाब उसके पास है। फिर राजा ने कहा कि तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए, ईश्वर करता क्या है। पंडित जी ने कहा आप गुरु बनकर के पूछ रहे हैं कि शिष्य बनकर के। राजा ने कहा शिष्य बनकर के। तो पंडित जी ने कहा कि आपका गुरु तो नीचे खड़ा हुआ है। तुरंत राजा ने पंडित जी को जाकर के सिंहासन पर बैठाया और खुद नीचे जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा आप बतलाने के लिए रह क्या गया है, बस यही तो ईश्वर करता है, पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार समझाता है, भरोसा बनाए रखिए, प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे, वो सब कुछ देख लेंगे, बस आपकी आराधना में, पूजा में, भक्ति में कमी मत होने देना।